सनातन संस्कृति में सर्वोच्च पुण्य माने जाने वाली चार धाम यात्रा अब और सुगम होने जा रही है। पवित्र गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली केंद्र सरकार की चार धाम परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की भी हरी झंडी मिल चुकी है। चीन की चुनौती के लिहाज से ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। सामरिक रणनीति के महत्व की इस 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चारों धामों के लिए हर मौसम में सफर करने वाला मार्ग उपलब्ध कराना है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है केंद्र सरकार के ये चार धाम प्रोजेक्ट परियोजना, कैसे श्रद्धालुओं के लिए सुलभ होगा और चालबाज चीन से निपटने में भी सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। इसके तहत चारधाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा, बेहतर और मजबूत किया जाना था। बाद में सिटीजंस फॉर ग्रीन दून नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण के प्रति चिंता जताते हुए प्रोजेक्ट को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने देश की रक्षा जरूरतों के आधार पर इसे सही ठहराया। जबकि पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं पर नज़र रखने के लिए पूर्व जस्टिस ए के सीकरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट के तहत 3 डबल लेन हाईवे बनाने की इजाज़त दी है। इस परियोजना में एक चौड़ी सड़क सीधे भारत चीन सीमा तक जाएगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि चीन के सामने भारत की स्थिति मजबूत होगी। चारधाम परियोजना एक ऑल वेदर रोड परियोजना है। पहले इसका नाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट ही था, जिसे बाद में नाम बदलकर चारधाम प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ऑल वेदर रोड को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे हर मौसम में सफ़र के लिए उपयोगी रहती है। परियोजना में कुल 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। इस पर करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। इसके लिए पहले चरण में ही 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की परियोजना में यमुनोत्री जाने वाले NH-94, गंगोत्री जाने वाले NH-108, केदारनाथ जाने वाले NH-109 और बद्रीनाथ जाने वाले NH-58 को आपस में जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चारधाम जाने वाले यात्रियों को सफर में बहुत आसानी हो जाएगी। पीएम मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद वर्ष 2017 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। वर्ष 2018 में 400 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का चौड़ीकरण पूरा हो चुका था। बताया गया है कि अब तक 565 किलोमीटर हिस्से का प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसमें शेष हिस्से का काम मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद रुक गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद इस पर तेजी से काम शुरू होने जा रहा है। प्रोजेक्ट के काम पूरा होने के बाद चीन सीमा पर भारत की सामरिक मजबूती में बहुत बढ़ोतरी होगी।